हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी जोन में। मैं आपका वंस अगेन स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी जोन में। जैसे कि आप नीट वाले बच्चे हैं जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट की कोशिश की थी, जैसे कि ये नीट का अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया है, जैसे कट ऑफ हाई चला गया है। मैं सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर योर नीट 2019 फेलियर। बिकॉज दोस्तों, रीज़न बिहाइंड द हाई कट ऑफ इस क्या बोल रहे हैं आप, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों कि इस हाई कट ऑफ क्यों गया, क्योंकि 600 मार्क्स जिस स्टूडेंट के आए हैं वो 8000 रैंक में आ रहा है, पता है 6000 मतलब तो 6000 जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 600 मार्क्स जिनको आ रहे हैं वो 8000 रैंक में आ रहे हैं, मतलब इतने बच्चे को 600 मार्क्स आए हैं कि वो 8000 के अंदर आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मेन चीज़ कहने का तात्पर्य ये है कि आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बनने के लायक नहीं है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो यार सबसे पहले तो उनको कॉन्फिडेंस मैं बधाई देना चाह रहा हूँ जिनका कट ऑफ क्लियर हो गया, और वो बच्चे निराश बिल्कुल ना हो जिनका नहीं हुआ, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारे ऑप्शन कर सकते हैं। आप BHMS कर सकते हैं, होम्योपैथी कर सकते हैं, पाउट का फॉर्म भरिए आप, अभी पाउट का फॉर्म आने वाला है ना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या कहूँ मैं दोस्तों आपसे, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैंने कट ऑफ जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से कट ऑफ नहीं गया, इसलिए थोड़ा सा हम भी दुखी हैं दोस्तों। आपसे तहे दिल से मैं भी माफ़ी मांगता हूँ कि आपको मैंने क्या बताया था और रिज़ल्ट कैसा गया, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं मैंने देखा है, LN कोटा ये साले जितने भी ब्रांचेस हैं इन सब ने भी अपना कट ऑफ बताया था, तो उनका भी कट ऑफ एक इतना वो नहीं गया कि यार कैसा क्या रहा। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है वीडियो बनाते टाइम, बहुत ही दुख हो रहा है आपके लिए, पर आप निराश बिल्कुल ना हो दोस्तों, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, अभी आगे और एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। आप ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनने लायक नहीं है, आप और भी आगे कुछ कर सकते हैं। इसके लिए अब देखते हैं क्या हो सकता है आगे। अपन जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कट ऑफ के बारे में, जैसे कि नीट के भी एग्ज़ाम और भी होने वाले हैं, जैसे कि पाउट का होने वाला है, आप आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हो उसमें, आप होम्योपैथिक दे सकते हो, आप आयुर्वेद में जा सकते हो भी। इसके अलावा आपके पास जो बायो सेक्शन के बच्चे हैं वो एक बी फार्मेसी कर सकता है, बी फार्मेसी के बाद वो आसानी से मेडिकल लाइन में जा सकता है। इसलिए दोस्तों टेंशन ना लो, क्योंकि ये क्या सीट कम थी इस चक्कर में थोड़ा सा बढ़ गया, सीट वैसे इंक्रीज़ हुई है, तो आप टेंशन ना लो, आपका बहुत कुछ आने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल ना लो दोस्तों। वैसे आपके साथ हमें आगे भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप टेंशन ना लो। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप 12th लेवल से बहुत सरकारी जॉब आने वाली है, तो आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। जैसे कि आपको एक्सपेक्टेड कॉलेज मार्क्स एनालिसिस, न्यू अबाउट काउंसलिंग फीस कट ऑफ, प्राइवेट कॉलेज लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप भी फार्मेसी करो या BHMS करो तो अच्छी है ना आप, या फिर आपके मार्क्स आए तो दोस्तों आप एक साल और ड्रॉप ले सकते हो, ड्रॉप लो। आपको मैं पूरे वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा जैसे भी आने वाले हैं, तो दोस्तों टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल ना लो, क्योंकि इसके बाद आपको और भी अच्छे अच्छे ऑफ़र आने वाले हैं जो आपकी लाइफ में और ऊपर आपको ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपने आप को ब्लेम ना करो कि यार इतने कम मार्क्स आए, ये हुआ वो हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से मैं बताऊँगा कैसे नीट 2020 में सेकेंड रिज़ल्ट बहुत बड़ा, जैसे कि आपने 3-4 क्वेश्चन का वो ब्लेम लगाया हुआ है बच्चों ने, तो कोर्ट में चल रहा है, अभी कोर्ट में उसकी सुनवाई चलेगी, उसके बाद अभी मुझे लगता है कि कुछ रैंकिंग में दिक्कत आए थोड़ा सा, मतलब कोर्ट जब फैसला सुनाएगा उस हिसाब से होगा, है ना दोस्तों। तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे साइट पर आप गए, इसमें आप देखो यहाँ पर आपने नीट UG 2019 आंसर की आंसर देखो, ठीक है, एक बार और मैचअप करो और आप भी संतुष्ट हो जाओ पूरी तरीके से अच्छे से, है ना दोस्तों। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहो वैसे हमारे साथ, अभी बहुत सारी एग्ज़ाम आने वाली है, जितने बायो सेक्शन वाले हैं लगे रहो, सब्सक्राइब एंड आगे की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कनेक्ट रहिए। जय हिंद।